सभी दुखी सभागे दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करे जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर सतुष्ट हो जाए। जब प्रेम की प्रक्रिया में प्रेम ही होता है तो प्रेम का आदान प्रदान ही मानव जीवन होता है। भाषा समझ आती है माता और प्रेम का अवकाश है। प्रेम के बदले में प्रेम ही मिलता है और फिर मिले हुए प्रेम को वापस करने से और प्रेम मिलता है। दोनों ओर से ही होता रहता है। जिसमें प्रेम का उदय हुआ था उसके पास सिवाय प्रेम से कुछ रहता नहीं, जिसके जिसके पर प्रेम था वो प्रेम के पान से कभी घटता नहीं, उसका प्रेम कभी घटता नहीं। प्रेम घटता नहीं, मिटता नहीं और प्रेम आस्पद का प्रेम से प्रेम भरता नहीं। इसलिए नित्य नूतन रस प्रेम और प्रेमास्पद के नित्य विहार में है। इसी को हम हिंदुओं ने गौरी शंकर का प्रेम कहा, किसी ने राधा कृष्ण का प्रेम कहा, किसी ने सीता राम का प्रेम कहा, किसी प्रेम का प्रेम। और ये शरीर के बिना भी लोग का क्यों रहता है? इसी को रस कहते हैं। और जो संसार से संबंध टूट जाता है उसी को मुक्ति रस कहते हैं। और जब कामना छूट जाती है उसी को शांति रस कहते हैं। और जब प्रभु के नाते हम सभी को अपना मान लेते हैं उसी को परमात्मा का धर्म का रखते हैं, धर्म है। सभी को अपना मानना धर्म है। प्रभु को अपना मानना प्रेम है। और मेरा कुछ नहीं है ये जानना ज्ञान है। धर्म भी प्राप्त होता है, ज्ञान भी प्राप्त होता है, प्रेम भी प्राप्त होता है। सबसे आवश्यक बात ये हो जाती है, हम मनुष्य होने के नाते नहीं सोचते, प्राणी होकर के सोचा करते हैं, व्यक्ति मानकर सोचते हैं। हम मनुष्य ऐसा मानकर सोचते ही, अगर हम ऐसा मानकर सोचे हम मनुष्य हैं, तो हमें सबसे पहली बात माननी पड़ेगी कि हम पर विश्व और विश्वनाथ, जगत और जगतपति दोनों का अधिकार है। दोनों का हम पर अधिकार है। वो हमारा जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? कि जगत तो हमारे अधिकार को पूरा कर ही नहीं सकता और प्रभु कभी हमारे अधिकार का अपमान करते ही नहीं, इसलिए हमको अधिकार मानने में रुचि नहीं। परमात्मा उसे नहीं कहते कि किसी के अधिकार का अपहरण करे, वो तो करते ही नहीं। और जगत हमारे अधिकार की रक्षा कर सकते ही नहीं। हमारा क्या हक है, हमारा क्या अधिकार है? अगर इस बात को सोचते हैं तो उस बात को जगत पूरा कर नहीं सकता। जैसे आपको अमर जीवन चाहिए, जगत आपको अमर जीवन नहीं दे सकता। जैसे आपको स्वाधीन जीवन चाहिए,
जगत आपको स्वाधीन जीवन नहीं दे सकता। जैसे आपको निर्विकार जीवन चाहिए, जगत आपको निर्विकार जीवन नहीं दे सकता। जैसे आपको चिर शांति चाहिए, जगत आपको चिर शांति नहीं दे सकता। जैसे आपको अभाव का अभाव चाहिए, जगत आपके अभाव का अभाव नहीं दे सकता। आपको जो चाहिए, आपका जो हक है, आपका जो जन्मजात अधिकार है, उसे जगत दे ही नहीं सकता। और प्रभु ने आपके अधिकार का कभी अपहरण किया ही नहीं, इसलिए मुझ पर सभी का अधिकार है और मेरा किसी पर अधिकार नहीं है। इस सत्य को मान लेने से आपको बहुत लाभ हो सकता है, परम लाभ हो सकता है। बोलो भाई, सूत्र को पता चले। समाज में बुराई भरी हुई है, समाज है दूसरों की अपने पर होने वाली बुराई को सुनो भैया, समाज की ओर से समाज बुराई करता है, विदेशी बुराई करता है, कई बात सुनो करे कोई नाम किसी का लोग करने के बाद करोगे व्यक्ति से देखो जितने मनुष्य छोड़ करके इतने और योजना है वो तो प्रकृति के विधान में बने हुए उसकी धन भी कर नहीं सकते। मनुष्य को स्वाधीनता है कि वो भी कर सकता है जो करना चाहिए, वो भी कर सकता है जो नहीं करना चाहिए। जीवन का सत्य तो यह है। तो आपके साथ ही कोई भाई या कोई बहन बुराई करती है, इस बात में से आपको असफलता मालूम हो रही है कि और कोई बात है? आप एक बात देखिए, आप गोल गोल शब्द करेंगे तो मैं तो फायदा होंगी, मैं तो सीधी सरल छोटा कम योग्यता का आदमी हुई है। क्योंकि मेरे साथ किसी भाई ने बुराई की अथवा किसी बहन ने बुराई की, तो ये व्यक्तिगत आवाज हो सकती है। सूरज में, चांद में, जमीन में, आसमान में, जल में, सीनत में सब तो बुराई की नहीं। और वो ये भी व्यक्ति ने बुराई की है, वो भी मेरे साथ नहीं कर सकते। मेरे पास उन्हीं की जात की एक चीज है, संसार की ही एक चीज है शरीर, उसके साथ कर सकते हैं। वो भी है सारा संसार मिलकर के अपनी पूरी शक्ति लगा दे तो भी मेरी कोई क्षति नहीं कर सकता, शरीर को छिन्न भिन्न कर सकता है। और जिस शरीर को संसार छिन्न भिन्न कर सकता है, अगर चाहे तो संसार को करता नहीं, व्यक्ति करते हैं। संसार अगर चाहे कर सकता है तो वो उस शरीर को छिन्न भिन्न कर सकता है जो उसी का है और स्वतः नाश हो रहा है। ये हमारे आपके पास जो शरीर है वो भी संसार की धरोहर है, संसार की ही देन है, समाज की ही वस्तु है, वो हमारी व्यक्तिगत नहीं है। तो संसार जब गलत काम करेगा, संसार नहीं कोई व्यक्ति, तो अपनी वस्तु का अपने आप नाश करेगा जिसका नाश हो रहा है। ये मतलब आपका है, कुछ और मतलब वो संसार के भाषा समझाते जाओ तो मैं उत्तर दे सकूंगा। संसार भी एक इकाई है और मैं भी एक इकाई हूँ और परमात्मा भी, इसमें दो कोई नहीं है, दो परमात्मा दो संसार दो मैं। अब जब संसार एक इकाई है उसी हिस्से में आपका शरीर शामिल है, शरीर आपकी पर्सन विधि नहीं है। आप उसको मानते हैं आपकी मर्जी है नहीं, तो संसार एक इकाई है और उसकी पहुंच शरीर तक है, शरीर की पहुंच संसार तक है, शरीर और संसार में अविभाज्य संबंध है,
शरीर संसार से ही उत्पन्न हुआ है, संसार में ही स्थित है, संसार में लय होगा। मुझ तक संसार कौन नहीं सकता, उनको रहना बता दिया क्या मेरे जो प्रयास होता है सफल हो सकते हैं। आपका प्रयास क्या, आप गलत प्रयास करें इससे सफल हो जाएगा, सही प्रयास से सफल हो सकते हैं। सही प्रयास क्या है, मैं संसार के लिए उदार रहूंगा, मैं अपने लिए स्वाधीन रहूंगा, मैं प्रभु के लिए प्रेमी रहूंगा, ये प्रयास सफल हो सकता है। आप संसार के लिए उदार रह सकते हैं, आप अपने लिए स्वाधीन रह सकते हैं, आप प्रभु के लिए प्रेमी रह सकते हैं, ये सफल हो सकता है। आप तुम ये बात बताओ, ईमानदारी बताओ कि तुम अपनी व्यक्तिगत समस्या पर बात कर रहे हो कि परिस्थिति बदल नहीं सोच रहे हो। मैं कोई तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तुमसे ज्यादा योग्य नहीं, तुमसे ज्यादा मेरा शरीर बलवान नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी समस्या हल करना चाहते हैं कि परिस्थिति बदलना चाहते हैं। कितनी समस्या मन में है, मेरे मन में मेरी, मेरे मन में और की समाज की, सभी की आप अस्कार नहीं है, कोई समस्या नहीं कह जाती। आपने सृष्टि बनाई नहीं है, आपका सृष्टि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है, आप सृष्टि के विधान को बदल नहीं सकते। सरकार आप कहा खड़े होकर सोच रहे हैं, किसकी बात सोच रहे हैं, आपने अपनी बात को भुला दिया है। इस वक्त आप किसी परिस्थिति को पकड़े हुए हैं और किसी परिस्थिति पर सोच रहे हैं, उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। पहले कुछ दिन मुझको ये नशा रहा था जो आप बता रहे हैं, पर मेरा वो नशा उतर गया है। ये रहा था ये नशा, परिस्थिति बदलने से शांति मिलेगी, विधान बदलने से शांति मिलेगी, पद्धति बदलने से शांति मिलेगी, और मैंने ऐसा पाया है कि वो भ्रम था, वो धोखा था, वो असत्य नहीं। अपने बदलने से दुनिया बदलेगी, ऐसा मेरा सत्य है। जैसे आज एक बहन आई बिताई महात्र जी प्रति भी होने जानते हैं, उसका एक प्रश्न बड़ा कठिन था, बड़ा सरल प्रश्न था। अब आप सुन लिया, आप बैठ जाइए। ये कह रहे थे पहले उसने अपने पिता के यहाँ के वातावरण में रहकर संध्या करना सीखा था, और फिर किसी गुरु से मिलकर कोई क्रिया विशेष विधि विशेष करना सीखी। तो वो ये कहती थी कि न तो मेरा संध्या में मन लगा और न उस विधि में मन लगा। भाषा मानी मन लगा मन नहीं लगा, तो ऐसा क्यों होता। तो इस प्रश्न में जब मैंने गंभीरता सोचा तो मुझे मालूम हुआ ऐसा इसलिए होता है कि हमने अपने को बदलने का प्रयास नहीं किया। प्रवृत्ति विशेष को बदलना चाहते हैं, पद्धति विशेष को बदलना चाहते हैं, तो प्रवृत्ति और पद्धति बदलने से जो आपकी मांग है वो पूरी कर ली गई। तो अपना परिवर्तन बदलने को नहीं चाहनी थी कि जिस परमात्मा के साथ मैं मिलना चाहती हूँ, जिस परमात्मा को मैं पाना था, और मैं स्वाधीन कब हो सकता हूँ जब संसार पर से अपना अधिकार हटा लू, अपना ममत हटा लू, अपनी कामना हटा लू, तब मैं उदार हो सकता हूँ, तो संसार के काम आ सकता हूँ, और अपने आप को प्रभु को सौंप सकूं तो प्रेम भी हो सकता हूँ, तब प्रभु के काम आ सकता हूँ। स्वाधीन हुए बिना न मैं अपने को प्रभु को सौंप सकता हूँ, न मैं संसार के लिए उदार हो सकता हूँ। इसलिए हमारे सामने मौलिक समस्या यह है कि हम स्वाधीन हो जाए, हम स्वाधीन हो जाए, और स्वाधीन होने के लिए एकमात्र जीवन का जो सत्य है
वही हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अतः संसार में रहने का सुंदर तरीका क्या है, मुझ पर सभी का अधिकार है, मेरा किसी पर अधिकार नहीं है। ये महामंत्र है, ये जीवन विज्ञान है, ये कर्तव्य विज्ञान है। इस कर्तव्य विज्ञान को अपनाने से ही मनुष्य को योग की, बोध की, प्रेम की प्राप्ति होती है, और इसका उल्टा करने से संसार मेरे काम आ जाए। इसको कहते हैं भोग। तो भोग से मोह और आसक्ति उत्पन्न होती है, कोई लाभ नहीं। इसलिए सजग मानव को, सावधान मानव को, वीर मानव को ये क्रांति लानी पड़ेगी, मैं संसार के काम आ जाऊं। जब संसार बहुत बड़ा है, मैं बहुत नन्हा सा हूँ, तब भी मैं संसार के काम आ सकता हूँ। तुम संसार मुझे उदार देखना चाहता है, उदार में हो सकता हूँ। और कब उदार हो सकता हूँ, जब किसी न किसी नाते सभी को अपना मान लो। तो मनुष्य में ये स्वाधीनता है कि वो सभी को अपना मान सकता है, और जब सभी को अपना मान सकता है तो बुराई रहित हो सकता है, अच्छा हो सकता है, कोई संदेह की बात नहीं। जहाँ बुराई रहित हुआ, अच्छा हुआ, स्वाधीन हो गया, धर्मात्मा हो गया। अगर उसने परमात्मा को अपना मान लिया तो प्रेमी हो गया। तो परमात्मा को अपना मानकर आगे बढ़ो, चाहे सभी को अपना मानकर आगे बढ़ो, और चाहे ये जानकर कि सृष्टि पर, सृष्टि में मेरा करके कुछ नहीं, तब भी आप आगे बढ़ सकते। अब कैसा आपका दार्शनिक दृष्टिकोण है ये तो आप जाने, ऐसा मेरा नहीं। नहीं, बुराई रहित होने के लिए क्या करना होगा, ऐसा सोचते ना। तो अगर बुरा ख्याल उठ रहा है तो उसका समर्थन मत करो, अगर भला ख्याल उठ रहा है तो उसको पूरे करने का फल मत मांगो। आप बुराई रहित हो जाएंगे, स्वाधीन हो जाएंगे। बुराई रहित होने के लिए बुरे ख्याल का समर्थन मत करो। वो ख्याल है, वो पहले की हुई बुराई की वजह से पैदा हुआ है, तो बुरे ख्याल रोक दो उसको। नहीं, बुरे ख्याल उठे भी, दिखाई दें, तो उनको पूरा करने के मतलब से बुराई रहित हो जाएंगे। क्योंकि बुरा ख्याल जो उठेगा ना, वो तो आपसे पहले बुराई कर चुके हैं, उठेगा वो तो पुराने कृत्य का परिणाम है, पुराने करे हुए का परिणाम है। बुरे ख्याल का समर्थन मत करो। ये आप स्वाधीन है तो बुरा कर्म आपसे बनेगा ही नहीं, तो बुराई रहित हो गए। जब हमारे जीवन में कोई बुरा ख्याल उठता है तो हम उसका समर्थन कर लेते हैं, या उस ख्याल से लड़ते हैं। ख्याल से मत लड़ो, उसको कभी भी तुमको पूरा नहीं करता, लड़ो मत तो उससे, तो अपने आप निर्जीव होकर नाश हो जाएगा। सुनो तो सही, सुनो तो सही, पहले बुरे ख्याल जिसको तुम कहते हो, अभी आप जो और तुम भाषा मिल जाओगे तो जो समझ रहा है वो भी गुम हो जाएगा। जब बुरे ख्याल का समर्थन ही नहीं करना है, उस ख्याल से जब हमें लड़ना ही नहीं है, पूरा नहीं करना है, इतने मात्र से काम चल जाए, चला के दे कठिनाई पैदा होगी। भगवान और कृष्ण की बात दो मित्रों की बात है, तो दोनों मित्रों की बात में मैं हस्तक्षेप नहीं करता। पहले अगर कृष्ण की बात समझ में चाहते हो तो मित्र बनो अर्जुन की बात। खाली जो पोथी पढ़कर नहीं समझ सके लोग, न समझ पाते हैं, माफ करें पोथी पढ़ने वाले। पोथी एक और टीका अनेक, दो पढ़े लिखे एक नहीं होती थे। जब बौद्धिक व्यायाम मत करो, अपने लिए स्वाधीन होना, ये मनुष्य की मांग है। देखो
आप 3 अरब को लगाते अनंत मनुष्य मानव जाति ये सृष्टि को बनाने वाले से मिलकर पूछ रहे ना, मैंने तो बनाया नहीं, ये प्रश्न आप मुझसे नहीं कर सकते। हाँ, उन अनंत मानव जात में एक आप है, एक मैं हूँ, मैं सोचू मुझ पर जिम्मेदारी है, आप सोच मुझ पर जिम्मेदारी। लोग ऐसा क्यों नहीं होते, इसका जादू मेरे पास नहीं है। नहीं, मैं आपसे कहता हूँ विधान सही है या गलत है, जिसने बनाया उससे जादू पूछो। मुझे जो मालूम है तो मैं आपसे कहता हूँ, जैसे मानो वैसे मत मानो। जी जी, जब उनका आपके पास संपर्क नहीं है तो मेरे पास संपर्क है, मुझे जो सत्य मालूम हुआ मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया। सृष्टि तो मैंने बनाई नहीं, तो मैं कैसे बात करूं। एक बात हमने देखा है, सर्वांश में सभी के लिए सर्वदा कोई बुरा नहीं होता, और आपने अगर विचार कर तो देखा ही होगा। फिर हम दूसरों को बुरा समझ लेते हैं, इसमें भी हमें बहुत बड़ा भ्रम रहता है। बुराई हमेशा आंशिक होती है, सर्वांश में नहीं होती, और सभी के प्रति नहीं होती, और सदा के लिए नहीं होती, पैदा होती है नाश होती है। जब आप बुराई रहित होने के सोचेंगे, आप सदा के लिए सर्वांश में बुराई रहित हो जाएंगे। ये भी मुझे संसार में दिखाई देता है, अब आपको दिखाई देता है कि नहीं। आप किसी एक आदमी को आप ऐसा नहीं बता सकते, ला सकते कि जो ये कहे कि मैं सदा के लिए बुरा हूँ, सर्वांश में बुरा हूँ, सदैव बुरा हूँ। बुराई आंशिक होती है, भूल से पैदा होती है, भूल के नाश होने से बुराई नाश होती है, भलाई प्राकृतिक है, वो सदैव रहती है। इसलिए मनुष्य इस शक्ति को जानता है, वो बुराई रहित होकर सदा के लिए भला हो सकता है, ऐसा मेरा। क्यों नहीं होता ये मैं नहीं जानता, वो जाने। और भले भलाई के द्वारा समाज में भलाई फैलती है, समझाने बुझाने से नहीं फैलती। आप देखें, बुराई रोकने के लिए राष्ट्र की कल्पना की, पद्धतियों में परिवर्तन किया, पर बुराई रुक गई क्या? हाँ, दब गई, रूप बदल गया, और मिटी तो नहीं। बुराई रोकने के लिए मजहब की कल्पना की, लेकिन मजहब का लेबल भी लगा लिया, बुराई नहीं मिट पाई। इतनी गंभीरता से, दूरदृष्टा से सोचने पर ये पता चलता है क्यों नहीं बदल पाई, कि राष्ट्र के कानून को भी हमने नहीं माना, और मजहब के कानून को भी हमने नहीं माना। और क्यों नहीं माना? क्योंकि अपने कानून को नहीं माना, इसे किसी कानून को नहीं माना। तो बुराई का जन्म होता है अपने सत्य को न मानने। अगर आप अपने सत्य को मान लें तो राष्ट्र का प्रोग्राम भी पूरा हो जाए, मजहब का प्रोग्राम भी पूरा हो जाए, ऐसा मतलब। अब इसके अतिरिक्त तो और किसी प्रकार की कठिनाई किसी भाई बहन को अनुभव हो तो प्रश्न कर लो। अरे, जो परमात्मा के मानने वाले जो लोग हैं, उनके सामने यही प्रश्न रहता है कि परमात्मा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि परमात्मा है ऐसा तो मान लेते हैं, पर उसको अपना नहीं मानते, उसको पसंद नहीं करते, इसे मन नहीं लगता। अच्छा भाई, संसार के मानने वाले हैं, उनको विश्व प्रेम क्यों नहीं मिलता, उन्हें उदारता क्यों नहीं आती? इसलिए कि सभी को अपना नहीं मानते। और अध्यात्म के मानने वाले हैं, वे अपने में संतुष्ट क्यों नहीं होते, कि ज्ञान का ठीक ठीक आदर नहीं करते। ये जो भूल है, भौतिकवादी होते हुए सभी को अपना न मानना, पूर्व विश्वासी होते हुए प्रभु को अपना न मानना, विवेकी होने पर अपना करके कुछ नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए, अकिंचन अचा और अप्रियत न होना, ये कारण वाले होता है असफलता का। नहीं तो भौतिकवादी बनकर भी आप सफलता प्राप्त करें।
अध्यात्मवादी बनकर भी आप समानता प्राप्त करें, ईश्वरवादी बनकर भी आप समानता प्राप्त करें, कर सकते हैं। संसार के मानने वालों को ये सत्य मानना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है संसार का है, मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, तन मन धन प्राण सब संसार का है। अब संसार की वस्तु से संसार की सेवा करो और बदले में कुछ मत जाओ, क्योंकि आपके पास आपको था ही नहीं। संसार की वस्तु संसार की सेवा की आपकी जान का क्या लगा, तो कुछ चाहोगे जो साहब आपको संसार के साथ रहते हुए भी आपको स्वाधीनता मिल जाएगी और आपको प्रेम मिल जाएगा और आपको शांति मिल जाएगी। आत्मा परमात्मा की चर्चा न करें तब भी आपको मिल जाएगी। ऐसी अगर आप परमात्मा का सब कुछ परमात्मा का ऐसा मान के चलते हैं तो हर वर्ग हर चीज पर परमात्मा ने सिर लगा दो, तन भी तेरा, मन भी तेरा, प्राण भी तेरा, सब कुछ तेरा, तभी आप निर्मम हो गए, अचेतन हो गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए तब भी आप अच्छा होगा, स्वाधीन हो गए और प्रभु अपने प्रेमी हो गए। अगर अध्यात्म की दृष्टि से आप मानते हैं तब भी आपको वही निर्ममता प्राप्त हो गई, मेरा कुछ नहीं है निर्ममता प्राप्त हो गई, मुझे कुछ नहीं है स्वाधीनता प्राप्त हो गई, मुझे मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आपने संतुष्ट हो गए। तो सत्य को स्वीकार करने से सभी भाई बहनों को वही जीवन मिल सकता है जो जीवन कभी भी किसी भी महामानव को मिला है या मिलेगा, तो आपको मिल सकता है। ये आपके मानव जीवन की महिमा है। और लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूँ, तो आप सोचिए। हम तो उसे विस्तार में मिला नहीं, सोचा बहुत मिला नहीं। हमें बुराई नहीं करना है, हमारे साथ जो बुराई करना चाहे करो भाई। ये तो प्रकृति का विधान है, खेत में दाना डाल तो कई गुना क्या हो जाता है, पूछो खेत में, पूछो खेत में जब एक दाना बोते हो तो कई कई गुना दाने क्या हो जाते हैं। ये प्रकृति का विधान है कि जो तुम संसार को दोगे अच्छाई या बुराई वो कई गुनी होगा तुम्हारे पास वापस आएगी। ये कर्तव्य विज्ञान का सिद्धांत है, धर्म विज्ञान का सिद्धांत है, जीवन का विज्ञान है। आप विचार कर देखो ना, एक नन्हा सा दाना डालते हो उससे एक वृक्ष निकलता है, एक आम की गुठली से एक वृक्ष निकलता है और उसमें अनेक आम आते रहते हैं और कई वर्ष तक आते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। ये प्रकृति की उदारता है, ये प्रकृति की उदारता है, उदारता है। जो तुम दूसरों के साथ करोगे वो कई गुना नहीं होगा, तुम्हारे साथ होगा, जरूर होगा। अभी हो कभी हो, होगा जरूर। मैं तो कहता हूँ जीवन के विज्ञान में अगर हमारी आस्था हो जाती तो हम स्वयं बुराई रहित हो जाते, और जीवन के दर्शन में अगर हमारी आस्था हो जाती तो स्वाधीन हो जाते, और आप और जीवन के विश्वास में हमारी आस्था हो जाती तो प्रेमी हो जाते। जीवन का दर्शन, जीवन का विज्ञान और आस्था, तीन तत्व है आपके पास। आस्था मिली थी परमात्मा को स्वीकार करने के लिए, दर्शन मिला था संसार से संबंध तोड़ने के लिए, विज्ञान मिला था बुराई रहितों का भलाई करने के लिए। तीनों का तीन उपयोग था, तीनों ही आपके सामने मौजूद है। विश्वास का तत्व जो मनुष्य के जीवन में है वो परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए है, और ज्ञान का तत्व जो जीवन में है वो संसार से संबंध तोड़ने के लिए है, और विज्ञान का तत्व जीवन में है वो बुराई रहित भलाई करने के लिए है। विज्ञान हमें बुराई रहित भलाई की प्रेरणा देता है, ज्ञान हमें संसार से संबंध तोड़ने की प्रेरणा देता है,
विश्वास हमें परमात्मा समझ में नहीं देता है, ये सबका आशीर्वाद है। विज्ञान हमें धर्मात्मा देखना चाहता है, ज्ञान हमें जीवन मुक्त देखना चाहता है, विश्वास हमें प्रभु भक्त देखना चाहता है। आप जीवन मुक्त भी हो सकते हैं, आप प्रभु भक्त भी हो सकते हैं, आप धर्मात्मा भी हो सकते हैं।